भोजपुरी फिल्मों के सुपरस्टार खेसारी लाल यादव का आज जन्मदिन है। खेसारी आज किसी भी पहचान के मोहताज नहीं है। अपने अभिनय और गायकी के दम पर वो लाखों दिलों पर राज करते हैं, मगर ये मुकाम हासिल करने के लिए उन्हें काफी संघर्षों से गुजरना पड़ा था। ऐसे में एक दौर था कि जब खेसारी यादव लिट्टी चोखा बेचकर गुजारा किया करते थे, लेकिन अपनी प्रतिभा और कड़े संघर्ष के बल पर एक्टर ने यहां पहुंचने में बड़ी कामयाबी हासिल की। खेसारी लाल यादव का जन्म 15 मार्च 1986 को बिहार की सिवान में हुआ। खेसारी का असली नाम शत्रुघ्न कुमार यादव। उनका बचपन काफी गरीबी में बीता। खेसारी 7 भाई हैं और उनके पिता मंगरू लाल यादव कड़ी मेहनत करके अपने सभी बच्चों को पाला पोसा करते थे। ऐसे में पिता का हाथ बांटने के लिए खेसारी लाल भी मजदूरी करने लगे थे। इतना ही नहीं, वो गांव में डांस करके भी पैसा जुटाते थे, जिससे परिवार की आर्थिक मदद हो जाया करती थी। खेसारी लाल यादव की पहली एल्बम फ्लॉप साबित हुई थी, लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी। एक्टर ने धीरे धीरे ही सही भोजपुरी सिनेमा में अपने पैर जमा लिए। इसके बाद शुरू हुआ उनकी सफलता का दौर। खेसारी ने कई हिट एल्बम देने के बाद एक्टिंग के क्षेत्र में कदम रखा और यहाँ भी वो छा गए। उनकी पहली फिल्म साजन चले ससुराल, जिसमें वो स्मृति सिन्हा के साथ नजर आए थे। इसके बाद उनके पास फिल्मों की लाइन लग गई। खेसारी लाल यादव ने मेहंदी लगा के रखना, लिट्टी चोखा, नागिन, दुल्हन वही जो पिया मन भाए समेत कई फिल्मों में काम किया है। कभी गरीबी में जीवन बिताने को मजबूर रहे खेसारी के पास आज करोड़ों की दौलत है। एक्टर खेसारी आज एक आलीशान जिंदगी जीते हैं। रिपोर्ट्स के मुताबिक खेसारी लाल यादव एक फिल्म के लिए 50 से 60 लाख रुपए की अब फीस लेते हैं। इसके अलावा वो विज्ञापन से भी कमाई करते हैं। खेसारी लाल यादव की नेटवर्क की बात की जाए तो मीडिया रिपोर्ट्स में खेसारी करीब 14 करोड़ रुपए की संपत्ति के मालिक है। वर्क फ्रंट की बात करें तो खेसारी इन दिनों अपनी फिल्म संघर्ष 2 को लेकर चर्चा में छाए हुए हैं।